ज़िंदगी अता करने वाले ने ज़िंदगी का एक पूरा निज़ाम भी अता किया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अलटप काम है। सूरज एक पूरे निज़ाम के मुताबिक तुलू और गुरूब होता है। सितारे अपने अपने मिदार में हैं। ना सूरज चांद को पकड़ सकता है, ना चांद सूरज को पकड़ सकता है। दिन और रात के आने जाने में भी अकलमंदों के लिए निशानियां हैं। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी, इसका कोई सिस्टम, कोई निज़ाम मौजूद नहीं होगा। ये ज़िंदगी एक रिफ्लेक्शन है, रद्द अमल भी है। हम ज़िंदगी को जो कुछ देते हैं, ज़िंदगी जवाब में हमें वही कुछ अता करती है। हम अगर किसी फ़र्द को स्माइल दें, मुस्कराहट पेश करें, तो हमें भी जवाब में स्माइल मिलती है। बल्कि बाज़ोका तो यूँ होता है कि एक तबस्सुम हज़ार शिकवों का कितना प्यारा जवाब होता है। और हम गए थे उनसे करने शिकवा ए दर्द फिराक, मुस्करा के उसने देखा सब गिला जाता रहा। तो ज़िंदगी में जो आपके ख्यालात होंगे, जो आपके एहसासात होंगे, ज़िंदगी वही रद्द अमल आपकी बारगाह में पेश कर देगी। अगर आपके ख्यालात उम्मीद से, रोशनी से, हौसले से, यकीन से भरे हुए हैं और आप ज़िंदगी के बारे में बहुत पॉजिटिवली एहसासात रखते हैं, आप रात के साथ दिन का ज़्यादा एहसास रखते हैं, आप कांटे के साथ फूल को भी सोचते हैं, आप ज़िंदगी के मुस्बत पहलू का सोचते हैं, ज़िंदगी की नेमतों के बारे में सोचते हैं, ज़िंदगी में जो कुछ आपको अता हुआ है उसके बारे में सोचते हैं और हर उस चीज़ के बारे में सोचते हैं जिसके बारे में आपके दिल में मोहब्बत के जज्बात मौजूद हैं, और इन जज्बात में जब आप सोचते हैं तो तमव्वुज पैदा होता है, तो यकीन कीजिए ये ज़िंदगी आपको इससे ज़्यादा अता करेगी। लेकिन हर वो फ़र्द जो महज हर वक्त मायूसी की बातें करता हो, हर वो फ़र्द जो नाउम्मीदी की बातें करता हो, जो ज़िंदगी के तारीक गोशों की बातें करता हो, उसे ज़िंदगी यही कुछ अता करती है। इसलिए याद रखिए कि ज़िंदगी के बारे में हर वक्त क्रिटिकल बातें करते रहना, अपने आप को तज़िया कार ही साबित करते रहना, उससे सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि इंसान अमूमी तौर पर पॉजिटिव बातों के बारे में कम तज़िया करता है। वो अमूमन मनफी बातों का तज़िया करता है और फिर मनफी बातें, मनफी अशिया बाजू खोले हुए उसके इंतज़ार में होते हैं। तो आइए, अगर हम ज़िंदगी से खुशबू चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें रोशनी मिले, हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी एक कामयाब इंसान की ज़िंदगी हो, तो अपनी चार जानब मुस्करा कर देखिए कि कितनी नेमतें हैं जो आपके बिन मांगे आपको अता की गई हैं। उनको देखिए, अच्छा महसूस कीजिए, अच्छे ख्यालात दिमाग में लाइए और रोशनी, खुशबू और कामयाबी के सफ़र पर रवाना हो जाइए।